और अभी अभी आए नोटिस के अनुसार CWC जूनियर सुपरिटेंडेंट की कट ऑफ जारी हो गई है और रिज़ल्ट आ गया है। सुपरिटेंडेंट जिन्होंने जूनियर सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया था उनका, तो जो बात करें रिज़ल्ट की, जो कट ऑफ गया है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई रहा है जूनियर सुपरिटेंडेंट का कट ऑफ पिछले वर्षों के मुकाबले। तो देखें, क्योंकि इजी बहुत था पैटर्न, जो क्वेश्चन के पैटर्न थे और जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी था पिछले सालों के कंपेयर में। तो आराम से 90 to 95 भी बच्चों ने कट आराम से अटेम्प्ट किए थे। कुछ देखी जाए, कट ऑफ पे नज़र डाली जाए, तो इस बार जो जूनियर सुपरिटेंडेंट का है शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 81.25 रहा है, और डेट ऑफ बर्थ 14/4/94 वाला सेलेक्ट हुआ है। ST की बात करें तो 73.25 रहा है, जो कि लेटर बिट पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा है। OBC की बात करें 86.5 रहा है, जो पिछली बार 75 के अप्रॉक्स था, 11 नंबर बढ़ के 86.5 पहुंच गया। देन बात करें EW इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो बंदे रहते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज वाले, वो 86.25 रहा, जो भी लेटर पिछले बार नहीं था ये कैटेगरी, इस बार जोड़ा गया है तो हायर कट ऑफ रहा है इस बार भी। अनरिजर्व की बात करें यहाँ पे 90.75, बहुत ही ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज आया है इस बार, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ रहा है इस बार अनरिजर्व का। 90.75 इज़ लिटल बिट लाइक, आपने इससे बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है, आप इससे पता लगा सकते हैं। एक्स सर्विस मैन 66.5। देन बात करें अपन VH की, वर्चुअल हैंडीकैप्ड की 78.25 और अदर्स की 30.50। तो इससे पता चल रहा है अपने को कि जो कट ऑफ की जो मार्किंग लेवल है इस बार बहुत ज़्यादा हाई रहा है। बात करें हम जूनियर सेक्शन सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम की कट ऑफ सेक्शन वाइज जो देखी जाए, तो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ में इंग्लिश की रही है 9.25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 6.25, रीजनिंग एबिलिटी 4.75। तो ये तो नॉर्मल कट ऑफ से, बट इस बार सेक्शन कट ऑफ पार नहीं तो ओवरऑल कट ऑफ पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पेपर इजी होने की वजह से कट ऑफ्स बहुत हाई गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए, इंग्लिश में 13 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10.25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी में 10.25 मार्क्स। तो ये जो सेक्शंस कट ऑफ आपने देखी, इससे पता लगा सकते हो कि इस बार किस हिसाब से कट ऑफ सही है। और हम बात करी जाए आगे कि जो अपना जूनियर सुपरिटेंडेंट का है वो एग्ज़ाम हो गया है, अब देखें अपन कि जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स और बाकी पोस्ट के लिए रहा था, तो इससे पता लग रहा है कि इस बार उनका भी कट ऑफ हाई रहेगा, तो उनका भी रिज़ल्ट इस वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। तो आप उसको जानने के लिए बने रहिए थिंक इजी के साथ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।